उसके लिए इंतजार करेंगे, लेकिन अभी एक हमारे साथ में एक खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं और इन्होंने भी आपकी मदद लेकर के काफी चीजें अपने जीवन में काम करा है और हम साथ में जुड़ लेते हैं। विनय जी हमारे साथ। विनय जी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। विनय जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहले तो ये बताइए कि आपकी शीतल जी से संपर्क आपका कैसे हुआ और उसके बाद आपने क्या समस्या थी, किस तरीके से आपने उनके साथ में जुड़ कर क्या समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने यूट्यूब में उनका वीडियो देखा था तो बाद में फिर उनके साथ में मैंने कॉन्टेक्ट किया, उनको कॉल किया, उन्होंने बहुत ही मतलब एकदम अच्छे तरीके से मुझे उन्होंने समझाया कि आपको कहाँ से शुरू करना है। तो मैंने उनके गाइडलाइन की सबसे पहले तो मेरा न्यूमरोलॉजी करवाया और न्यूमरोलॉजी करने के बाद एक नेगेटिविटी जो है वो कहाँ गया, वो एक डिफरेंट टाइप का लाइफ आया, फिर पॉजिटिविटी आया। फिर उन्होंने फिर मुझे एक एक्चुअली शेयर मार्केट में मैंने बहुत सारा लॉस किया था तो उन्होंने मुझे फिर बताया डायरेक्टली शेयर मार्केट में इस तरह से इन्वेस्ट मत करो, आप न्यूमरोलॉजी का करो। तो उन्होंने मेरा एक्चुअली बर्थडे था 4th of October, तो उन्होंने सबसे पहले बताया आप स्टॉक मार्केट के लिए इंट्राडे के लिए नहीं बने हो, इन्वेस्ट कर सकते हो बट इंट्राडे के लिए नहीं बने। ये सब सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया मुझे। फिर उन्होंने सबसे पहला मेरा न्यूमरोलॉजी किया, न्यूमरोलॉजी करने के बाद उन्होंने मुझे स्टॉक दिया कि इसमें आप इन्वेस्ट करो, इस तरह से आप काम करो। बहुत ही मतलब डिफरेंट समझाने वाले और एक मेंटर टाइप इंसान है वो। इस तरह से आज भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अच्छे से समझाते हैं मुझे, किसी तरह से ये वाला जानकारी और ज्ञान लेते रहते हैं। तो विनय जी लेकिन ये बताइए आप शेयर बाजार में काम करते हैं, आपने कहीं उसकी पढ़ाई करी है या कुछ कैसे शेयर बाजार में? नहीं, पढ़ाई तो नहीं करी है, जस्ट ऐसे मैं स्टार्ट किया 2010 से मैं कर रहा हूँ। लॉस ही किया, हमेशा लॉस ही किया था, बट अभी लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी है बट लॉस बंद हो गया मेरा। मैडम से जुड़ने के बाद लॉस बंद हो चुका मेरा, ये तो 100% श्योर है, भले कम प्रॉफिट है बट लॉस बंद हो चुका मेरा बिल्कुल भी। और एज पर न्यूमरोलॉजी मैं 4 नंबर वाला हूँ तो शायद मुझे शेयर मार्केट से इतना उम्मीद नहीं रखना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है सर, आपको उम्मीद नहीं रखना चाहिए ऐसे नहीं हमने बोला है, हमने बोला है बट इन्वेस्ट कर, ये नहीं है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट इंट्राडे में, और जो सट्टा बाजार हमारे से नहीं होगा, सट्टा नहीं कर सकते हम, शॉर्ट टर्म मनी आपको नहीं मिलेगा। या तो भी मिला है आपको, आपने क्लासेस ली है और वो भी आपने स्ट्रेटजीज यूज करना शुरू कर दी है और आप मुझे बेचते रहते हो स्क्रीन मना करने के बाद भी कर लेते हो। मैं मैडम से जुड़ने के बाद मुझे लॉसेस बंद हो गए। ये पहली सीढ़ी है विनय जी, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर अक्सर लोग केवल ये सोच के आ जाते हैं कि एक सट्टा बाजार जैसी कुछ चीज है और यहाँ आज पैसे डालेंगे तो कल आपका पैसा डबल हो जाएगा, दस गुना हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। आज ही हमने आज के शो में जब हमने आज बात करी है डिटेल में चर्चा करी, वो यही इसी बात पर करी है कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें एक बड़ा पॉइंट जो शीतल जी ने हमें बताया है कि शेयर बाजार कोई सट्टा बाजार नहीं, सारे नॉलेज साथ में आप स्ट्रेटजी यूज करो और डीपली मंथ जिस तरह से छोटा बिजनेस आप स्टार्ट करते हो उस तरह से समझो आप तो 100% सक्सेसफुल है, बट इमोशनली एकदम आपका सत्ता बाजार मतलब इसमें शेयर बाजार में अगर आप जाओगे तो मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें मैडम का जो भी एक एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैडम ने क्या बोला है क्या समझाया है, हर एक चीज़ को समझो आप 100% सक्सेसफुल है शेयर मार्केट में। ये बात और अच्छी लगती है कि उनको उनसे मैंने जब पहली बार बात की थी तो विनय सर वो वेरी निगेटिव कि शीतल हो ही नहीं रहा है कैसे करे, तो मैंने सिर्फ उनको बोला था कि मुझे 1 महीना आपका दे दीजिए सर, इसके पहले जो भी हुआ थोड़े दिन के लिए हम लोग भूल जाते। पहले तो मुझे लोग मोस्ट ऑफ टाइम जब जेंट्स से मैं कनेक्टेड होती हूँ तो ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही होती हूँ, फिर मैं उनकी बर्थडे पूछ के मैं उनको निम्बल अपनी पहले सजेस्ट करती हूँ, सेम थिंग मेरी विनय सर के साथ होती। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि विनय सर इतने निगेटिव बोल रहे थे कि स्टिल कोई काम नहीं बनता है, पर हार्डली मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बाई कुरियर यंत्रास एंड न्यूमरोलॉजी भेजी थी, यंत्रास के लिए हम लोगों का डिस्कशन हुआ, उन्होंने वो सारी चीज़ें यूज करना शुरू किया
और विनय सर मुझे याद है 10 से 15 दिन में आपका नया काम भी शुरू हो गया था, वो सबसे अच्छी बात थी मेरे लिए कि विनय सर ने छोटी 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 चीज भी फॉलो किए, मतलब विनय सर का कॉन्फिडेंस आज बहुत अच्छा है। रेमेडीज वर्क, रेमेडीज काम करते हैं, जो भी मैम देती है रेमेडीज वो काम करते हैं, ये तो श्योर है। मैं रेमेडीज के साथ में मैम जो हमारे को समझाती है वो बहुत बड़ी बात है, आप ये करो उस तरह से करो, नहीं करना है या करना है, मैम एकदम क्लियरली बोलती है हमारे को, होना है तो होना है, नहीं होना तो नहीं होना है, कोई इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि बाबा मैडम को बस नाम करना है तो बोलना है, नहीं होना है तो होना है, नहीं है तो नहीं होना है, क्लियरली बोलती है मैम, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें बहुत जगह से जानकारी मिलती रहती है उस तरीके से, फेसबुक पेज से भी और उनके यूट्यूब चैनल से भी, उन्हें देख रहे कि किस तरीके से लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं उनकी गाइडेंस का, और हमारे पास भी इस तरीके का बहुत फीडबैक आता है, हमारे दर्शक भी ये बताते हैं कि किस तरीके से उनको जो टिप्स जो हमारे शो के माध्यम से या अलग से या डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो करके जो शीतल जी से मिलते हैं उससे उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। शीतल जी के नंबर, शीतल जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर फिक्स होंगे, और आप भी डायरेक्टली दर्शकों के लिए ये एक मौका है कि वो डायरेक्टली उनसे संपर्क करके इस तरीके की जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने लोगों को शीतल जी का गाइडेंस का फायदा मिल रहा है और किस तरीके से एक बड़ा मुनाफा वो कमा सकते हैं, अपने ट्रेडिंग को, अपने शेयर बाजार में अपने करियर को, प्रोफेशन को बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शीतल जी आज फिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो लद्दाख की, और वापस जब आते हैं तो हम फिर एक बार जुड़ करके और फिर जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या नई चीजें आप हमारे साथ में लेकर के आएंगे हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए जी, इजाजत।